अच्छा क्लास हमने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, और ये मैं कवर करवा चुकी हूँ आपको ऑलमोस्ट 2 टाइम्स। एक दफा फिजिकल क्लास में हमने कवर कर लिया, उससे पहले ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन उस दिन भी मैंने आपको बता दिया था हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें एक कैटलिस्ट पढ़ना है जो कि कोऑर्डिनेशन कैटलिस्ट की एग्जाम्पल है। ठीक है, इसकी जो आपके पास समरी है या इसमें क्या मैकेनिज्म है या इसको इंजर्शन पॉलीमराइजेशन क्यों कहा जाता है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था जो आपका था जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वो सारा मैकेनिज्म लिखा हुआ है इंजर्शन का जो मैं बता चुकी हूँ, ऑल्दो इसने ओपन नहीं की चेन, ये डायरेक्ट इंजर्ट करवाता करवाता जा रहा है स्टेप बाय स्टेप आपकी जो चेन है उसे बिटवीन मेटल कार्बन बॉन्ड। ठीक है, आपको बट वो डिटेल मैकेनिज्म है उसने, हाँ आपको इंजर्शन करवाने में ईजी हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि इंजर्ट कहाँ हो रही है बेसिकली चेन। ठीक है, फिर जनरलाइज भी मैंने आपको बता दिया था, अगर आप जनरलाइज फॉर्म में लिखोगे तो इंजर्शन प्रोसेस को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट हम आए थे हमारा जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है उस पे, जो कि कोऑर्डिनेशन कैटलिस्ट की एग्जांपल है, और उसमें हमने कहा था हम कैटलिस्ट और को कैटलिस्ट दो चीज़ें यूज करते हैं, और बेसिकली हम एल्यूमिनियम ट्राइएल्काइल यानी एल्यूमिनियम ट्राइएथाइल को यूज करते हैं, या फिर डाइएथाइल एल्यूमिनियम क्लोराइड को यूज करते हैं विद टाइटेनियम हैलाइड्स। वो टाइटेनियम हैलाइड्स आपके टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड्स भी हो सकते हैं, वो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड्स भी हो सकते हैं। बेसिकली पहले आपका जो कैटलिस्ट और को कैटलिस्ट है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि आपके पास डिफरेंट ऑथर्स ने, आप कह लो उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रपोज किए हैं उन कॉम्प्लेक्सेस के, जो कि कैटलिस्ट और को कैटलिस्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब ये उनमें से कुछ स्ट्रक्चर है जो कि आपके पास कैटलिस्ट एंड को कैटलिस्ट के हैं बेसिकली, जिसमें से फर्स्ट वन ये है, सेकेंड वन ये है, थर्ड वन ये है। ठीक है, अब वो ये एक्सप्लेनेशन देता है कि बेसिकली जो एल्युमिनियम ट्रायल फाइल एल्युमिनियम होता है वो आपकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है, जो टाइटेनियम है वो आपकी सेंट्रल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। उस बेसिस पे अगर इस फॉर्म को ओपन करके लिखा जाए तो कुछ इस फॉर्म में आती है। ठीक है, एक और जो स्ट्रक्चर उसने दिया है वो आपका ये है, ये तीनों स्ट्रक्चर आपके पास जिगलर नाटा कैटलिस्ट के ही स्ट्रक्चर हैं, और इसी इन्हीं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बेसिस पे डिफरेंट मैकेनिज्म प्रपोज किए गए हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन के। ठीक है, अब उसमें से अगर हम पहले कैटलिस्ट को लें, यानी ये वाले स्ट्रक्चर जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास कैटलिस्ट और को कैटलिस्ट का, इसको हम यूज करें और इसकी बेसिस पे हम पॉलीमराइजेशन को एक्सप्लेन करना चाहें, तो वो कैसे होगा कि आपके पास सपोज क्लास ये हमारे पास मोनोमर है। ठीक है, ये हमारा मोनोमर है जो कि हमारे पास है 1-propene। इस मोनोमर को हमने इस कैटलिस्ट में जो है इंजर्ट करवाना है। बेसिकली पहला स्टेप आपका इनिशिएशन है। इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन में उसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे भी आपको एक पाई बॉन्ड नजर आ रहा है। ठीक है, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन सेंटर आपको एक पाई बॉन्ड नजर आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास मेटल अवेलेबल है टाइटेनियम। सो आपका जो पाई बॉन्ड है पहले स्टेप में वो टाइटेनियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो कि मैंने आपको कहा था कि इस फॉर्म में आप लिखोगे एरो के साथ। बेसिकली इस ये लिखने का मकसद ये है कि पाई बॉन्ड की कॉम्प्लेक्सेशन हो रही है विद टाइटेनियम। टाइटेनियम के साथ जैसी कॉम्प्लेक्सेशन होगी तो आपके पास क्या होगा कि टाइटेनियम और जो आर ग्रुप है, ये टाइटेनियम और आर ग्रुप के इन बिटवीन जो बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा। ये जब ब्रेक कर जाएगा तो आपका जो स्टेप वाइज, अब उसी तरीके से स्टेप वाइज हम देखते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है कि ये जो पाई बॉन्ड है बेसिकली वो CH2 वाले सेंटर पे शिफ्ट होता है। CH2 वाले सेंटर पे आपका जो है वो नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आता है। देन फिर वो नेगेटिव सेंटर आपकी टाइटेनियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करता है और टाइटेनियम और आर ग्रुप का जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाता है। सो उसको उसने इंजर्शन, आपके पास जो चेन है उसको टाइटेनियम के साथ कोऑर्डिनेशन करवाने के बाद उसने ये स्ट्रक्चर लिखा है कि टाइटेनियम और CH2 के इन बिटवीन आपके पास पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, और CH2 और CH के इन बिटवीन जो आपका पाई बॉन्ड था वो यहाँ से जो है वो शिफ्ट हो गया CH2 वाले सेंटर पे। अब चूंकि यहाँ पे उसने क्लास पार्शियल चार्जेस नहीं लगाए, सो अगर पार्शियल चार्जेस नहीं लगाए हैं तो फिर आप यहाँ पे बेशक वो बॉन्ड जो है बॉन्ड ब्रेकेज ना शो करो, बट अगर मैं यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव लिखती और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव सेंटर लिखती तो फिर मुझे वो बॉन्ड ब्रेकेज जो है वो डॉटेड से शो करनी पड़ती। यहाँ पे उसने परमानेंट पॉजिटिव और फुल नेगेटिव चार्ज लगाया है, इसीलिए उसने यहाँ पे CH2 और CH के इन बिटवीन जो पाई बॉन्ड है उसे डॉटेड से शो नहीं किया। बात समझ आ रही है?
मैम। अच्छा, उसके बाद क्लास आपके पास क्या होगा कि ये वाला सी एच टू सेंटर आपका नेगेटिव है, फिर सी एच ये आपका पॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो सी एच टू पे शिफ्ट हो गए थे, वो सी एच टू इसीलिए पार्शियल नेगेटिव है। उसने मेटल के जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया, जिसको यहाँ वो डॉटेड बॉन्ड से शो कर रहा है। और आपके पास मेटल जो है वो चूंकि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव सेंटर है, इसलिए उसको उसने पॉजिटिव सेंटर पॉजिटिव चार्ज से शो किया है, और यहाँ सी एच आपका भी पॉजिटिव सेंटर है। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटर में। नेक्स्ट जो स्टेप है आपके पास उसमें क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में आपका अगर आप चार्जेस देखो तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव सेंटर है, और ये आर ग्रुप जो आपका अल्काइल सेंटर है ये आपका नेगेटिव सेंटर है। तो ये नेगेटिव है और ये सी एच पॉजिटिव है, सो दोनों काउंटर आयन जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, सो यहाँ पे आपके पास एक रिंग फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपका एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर और एक आपका इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर जो है वो आपके आमने सामने हैं, एक आर ग्रुप आपकी जो कम्प्लेक्स है उसका है, और सी एच सेंटर जो है आपका वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है आपकी मोनोमर का। सो यहाँ पे एक आप कह लो कि बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिससे फिर वो यहाँ पे इस तरह बता रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है क्लास कि ये आपके पास रिंग क्लोजिंग होगी, रिंग क्लोजिंग हो गई आपके पास, जो आपका मोनोमर था यानी जो आपकी वन प्रोपीन मोनोमर थी वो आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट रिंग स्ट्रक्चर है उसमें इंसर्ट होगी। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्रांजिशन स्टेट का है, ट्रांजिशन स्टेट में आपने जो बॉन्ड्स हैं उनको आपने डॉटेड से रिप्रेजेंट करना है, जितने भी बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट में क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात नहीं करते, वहाँ पे पार्शियल बॉन्ड ब्रेकेज की या पार्शियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात कर रहे होते हैं, इसलिए आपको जो न्यू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है या ओल्ड बॉन्ड ब्रेकेज है वो सारी शो करनी पड़ती है। ठीक है, सो इसीलिए ये आपका ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर है, और इसमें देखो उसमें सी एच टू सी एच के बिटवीन जो बॉन्ड है उसको फिर डॉटेड से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट है, अबव फेस आपका ट्रांजिशन स्टेट नहीं था, इसलिए उसमें कंप्लीट चार्ज जो ट्रांसफर है या कंप्लीट चार्ज शो किया है। यहाँ पे अगर आप चार्ज शो करोगे तो आप पार्शियल साइन के साथ शो करोगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी मैम। अच्छा, इसके बाद क्लास क्या होता है कि जैसे ही ये ट्रांजिशन स्टेट इसने बनाई है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट अब इसने क्या काम करना है, इनिशिएशन हो गई है, क्योंकि आपका जो कम्प्लेक्स था उसमें आपका मोनोमर ऐड हो गया, मोनोमर यानी वन प्रोटीन। वन प्रोटीन ऐड होने के बाद दोबारा से एक रिंग क्लोजिंग होगी, दोबारा से कम्प्लेक्स हो गया, बन गया, बट अब वो जो कम्प्लेक्स है वो आपका एक्टिव कम्प्लेक्स है, क्योंकि वो मोनोमर कंटेनिंग है। अब आपने इस कम्प्लेक्स की या इस ट्रांजिशन स्टेट की ओपनिंग करनी है। ओपनिंग आपने कहाँ से करनी है, ओपनिंग आपकी बेसिकली होगी बिटवीन दिस एल्यूमिनियम एंड आर ग्रुप। ये जो एल्यूमिनियम और आर यानी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ से बॉन्ड आपका ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, तो आपका ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, आर ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा आपके सी एच वाले साइड पे। ठीक है, सो अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ, ये बेसिकली आपकी जो ओपनिंग है ये कैसे होती है, अच्छा देखो क्लास, यहाँ से जो एल्यूमिनियम और आर ग्रुप के बिटवीन जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा, ये आर ग्रुप आपके सी एच के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, वो सी एच जो है आपके पास आगे आपके एक मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है और आपके एक सी एच टू के साथ अटैच है। ठीक है, जैसे ही यहाँ से आर ग्रुप लीव करके जाएगा, यानी आर ग्रुप एल्यूमिनियम के बिटवीन जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा और यहाँ से आर ग्रुप सेपरेट हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम पे आपके पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपके पास एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दोबारा से अगर मैंने रिंग कम्प्लेक्सेशन करनी है या रिंग क्लोजिंग करनी है, तो मुझे इस एल्यूमिनियम पॉजिटिव सेंटर को कोई नेगेटिव सेंटर इसी
इसी कॉम्प्लेक्स में कहीं ना कहीं मिलना चाहिए ताकि वो दोबारा से रिंग फॉर्मेशन कर ले, ठीक है। अब वो कैसे आप मिलता है क्लास कि ये जो सी एच टू सेंटर है ये आपका जो है वो नेगेटिव सेंटर है और ये आपका पॉजिटिव सेंटर है। तो जैसे ही यहाँ से एल्यूमिनियम आर ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक करेगा ये तो चेन से बाहर मूव कर जाएगा, यानी आर सी एच ओ सी एच थ्री जो है ये चेन से बाहर मूव कर जाएंगे, रिमेनिंग जो सी एच टू है वो आपका नेगेटिव सेंटर होगा यानी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा और एल्यूमिनियम आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो यहाँ पे भी आपके कार्बन और एल्यूमिनियम के इन बिटवीन दोबारा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि कुछ इस तरह से होगी कि अब आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसमें एक एल्यूमिनियम और सी एच टू का यानी कार्बन का बॉन्ड बन गया और जो आपका आर सी एच और सी एच थ्री वाला ग्रुप था वो आपकी चेन से बाहर मूव कर गया। ये समझ आ गए? यस मैम। क्लास किसी को ना समझ आया? समझ आ गया मैम। ये कौन सा मैकेनिज्म है वैसे? ये कौन सा मैकेनिज्म है? इससे पहले मैंने आपको दो मैकेनिज्म हमारे पास हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट के, एक है कोजी मैकेनिज्म और एक है नाटा मैकेनिज्म। ये आपका जो है वो नाटा मैकेनिज्म है और एक और क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स हैं स्ट्रक्चर के कोऑर्डिनेशन कैटलिस्ट के जो स्ट्रक्चर हैं उसी बेसिस पे इनके डिफरेंट मैकेनिज्म प्रपोज किए गए हैं। सो जिगलर नाटा कैटलिस्ट को अगर आप इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में यानी इस रिंग फॉर्म में यूज करते हो, उसका ये वाला रिंग स्ट्रक्चर लेते हो, तो उस केस में वो पॉलीमराइजेशन किस प्रोसेस के थ्रू करवाता है, वो है आपका नाटा मैकेनिज्म। और उसमें आपके पास इस तरह होता है कि आपकी पहले टाइटेनियम जो है टाइटेनियम और आपके मोनोमर के इन बिटवीन बॉन्ड बनता है, फिर उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उस ट्रांजिशन स्टेट की फिर रिंग ओपनिंग होती है, रिंग ओपनिंग होने के बाद जो आपकी चेन है वो आउट ऑफ द रिंग मूव करती है और आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो दोबारा बनता है जिसमें आपके एल्यूमिनियम और कार्बन सेंटर के इन बिटवीन बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। एक और जो स्ट्रक्चर है जिगलर नाटा कैटलिस्ट को यूज करते हुए पॉलीमराइजेशन का, उसे कोजी मैकेनिज्म कहा जाता है, ठीक है। उस कोजी मैकेनिज्म में आप जो कैटलिस्ट है उसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट लेते हो, इस बेसिस पे उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? जी मैम। अच्छा, उसके बाद जब आपने एक दफा इनिशिएशन करवा ली है तो उसके बाद आप चेन ग्रोथ करवा सकते हो। चेन ग्रोथ का मतलब ये है कि सेकंड मोनोमर ले आओ वन प्रोटीन का, उसी तरीके से पाई बॉन्ड और यहाँ पे टाइटेनियम के बिटवीन जो है वो पाई कॉम्प्लेक्सेशन हो जाएगी फर्स्ट स्टेप में। आफ्टर पाई कॉम्प्लेक्सेशन आपके पास क्या होगा कि उसी तरीके से ये टाइटेनियम और आपके जो मोनोमर है वो इन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, कि टाइटेनियम और सी एच टू के बिटवीन बॉन्ड बन जाएगा, फिर आगे सी एच है और सी एच थ्री है, यानी ये वाली चीज आपके पास है और ये आपका जो प्रीवियस इंसर्ट हुई हुई चेन थी ये वो है, यानी ये वाली जो चेन थी इंसर्ट हुई हुई ये वो चेन है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट उसी तरीके से आपके पास जो है वो रिंग क्लोजिंग होगी कि आपके पास ये सी एच टू सेंटर अब इस सी एच के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे ये आपका बॉन्ड की फॉर्मेशन है। और अब जो बॉन्ड ब्रेकेज होगी वो किस तरह होगी कि एल्यूमिनियम और पहले आर ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक कर रहा था, यहाँ आर ग्रुप को आप समझो कि आपने इससे रिप्लेस कर दिया, ये भी एक आर अल्काइल ग्रुप ही है, ठीक है। सो आपका एल्यूमिनियम और सी एच टू यहाँ से ब्रेक करेगा, ये फिर चेन से बाहर मूव कर जाएगा और फिर दोबारा आपका एल्यूमिनियम और सी एच टू के बिटवीन बॉन्ड बनेगा, फिर दोबारा आपकी जो है यानी ये जब आपके पास ये एल्यूमिनियम और सी एच टू के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये आपकी मूव कर जाएगी आउट ऑफ द रिंग। आउट ऑफ द रिंग किस तरह मूव करेगी कि ये देखो, ये बेसिकली इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो कि ये आर सी एच सी एच थ्री सी एच टू, ये आर सी एच सी एच थ्री फिर सी एच टू, ये रिंग से बाहर मूव कर गया। उसके बाद ये देखो, ये है सी एच सी एच थ्री और सी एच टू, ये सी एच है, ये सी एच थ्री है और ये सी एच टू है, सी एच टू फिर उसी तरीके से नेगेटिव है और आपका एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है, यहाँ पे फिर रिंग क्लोजिंग हो जाएगी, फिर यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्सेशन बन जाएगा। यानी इस फॉर्म को इक्विवेलेंट आप इस फॉर्म में लिख सकते हो ओपन करके, और इसमें जितना भी ट्रांसफर होगा या रिंग ओपनिंग होगी उसके बाद जो आपके पास फॉर्म आएगी वो ये आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि हर स्टेप में आप पहला कॉम्प्लेक्सेशन बनाते हो बिटवीन टाइटेनियम एंड पाई बॉन्ड, पाई कॉम्प्लेक्स बनाते हो, पाई कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद मोनोमर इंसर्ट करते हो, मोनोमर इंसर्ट करने के बाद रिंग क्लोजिंग करते हो, रिंग क्लोजिंग करने के बाद एल्यूमिनियम और कार्बन के इन बिटवीन या एल्यूमिनियम या अल्काइल सेंटर के इन बिटवीन जो बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उसे ब्रेक करते हो, उसे चेन से बाहर मूव करवाते हो और एल्यूमिनियम और सी एच टू एंड के इन बिटवीन जो है वो आप बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन करवाते हो, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन।
और उसके फॉर्मेशन के साथ साथ आप क्या करते रहते हो कि स्टेप जो है वो रिपीट करते रहोगे, तो आपकी जो चेन है वो ऐसे ही ग्रो करती जाएगी। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ज़िग्लर नाटा कैटलिस्ट को यूज करने का बेसिकली पर्पस क्या है, वो ये है कि इसमें जो चेन आपके पास बनती है उसमें जो सब्सिट्यूएंट होते हैं वो आपके सेम साइड के होते हैं, ठीक है। यानी आपका जो आइसोटैक्टिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप चाह रहे हो कि आपका बनने वाला पॉलीमर जो है वो आइसोटैक्टिक कॉन्फ़िगरेशन में हो जिसमें जो सेम सब्सिट्यूएंट है वो सेम साइड के हों, तो उसको बनाने के लिए या उसकी फॉर्मेशन के लिए अगर आप ज़िग्लर नाटा कैटलिस्ट से उसकी पॉलीमराइजेशन करवाओगे, तो इसमें आपके पास जो बनने वाला पॉलीमर होगा, क्योंकि ये चेन इसी मैनर में कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, आपके पास एक और मोनोमर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, फिर इसी तरह ये चेन कंटिन्यू रहेगी, ये सी एच टू बाहर मूव करेगा, फिर सी एच सी एच थ्री, फिर नेक्स्ट मोनोमर ऐड हो जाएगा, तो ये आपकी चेन कंटिन्यू रहेगी जिसमें मिथाइल्स जितने मिथाइल फंक्शनल ग्रुप हैं वो सारे सेम साइड पे होंगे। तो अगर सारे सब्सिट्यूएंट सेम साइड पे हों तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को आइसोटैक्टिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, और उसकी उसकी अटेनमेंट के लिए या उसको अचीव करने के लिए आप ज़िग्लर नाटा कैटलिस्ट यूज करते हैं। ये समझ आ गया या नहीं? अच्छा मैम, जो पहले स्टेप्स बताए थे उनके नाम रिपीट कर दें। पहले कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर इंसर्शन होती है, फिर रिंग क्लोज होती है, फिर एल्यूमिनियम और फिर अल्काइल होती है। वो रिंग ओपनिंग के लिए आपको एल्यूमिनियम और अल्काइल सेंटर के इन बिटवीन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। रिंग ओपनिंग होगी तो आपकी जो चेन है वो बाहर मूव कर जाएगी, ठीक है, ग्रोइंग चेन बाहर मूव कर जाएगी और एल्यूमिनियम और सी एच टू के इन बिटवीन बॉन्ड बन जाएगा, यानी उस कार्बन के इन बिटवीन और एल्यूमिनियम के इन बिटवीन बॉन्ड बनेगा जो कि टाइटेनियम के साथ कोऑर्डिनेटेड है। ओके मैम। अच्छा, इसके बाद लास्ट एक मैकेनिज्म मैंने आपको और करवाया था, अगर आपको याद हो, वो मैंने आपको पहले करवा दिया था प्रीवियस क्लास में। ये क्लास इसका मैकेनिज्म है, इसको यहां से पढ़ लेना एक दफा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखो, ये उसने चेन ग्रो करवाई है कि सारे के सारे जो सीक्वेंस हैं आपके पास मोनोमर मॉलिक्यूल के वो चेन ग्रोथ में सेम रहते हैं। सो इसीलिए अगर आपने स्टीरियो रेगुलेटेड पॉलीमर बनाना, यानी स्टीरियो केमिस्ट्री कंट्रोल करनी हो किसी पॉलीमर की, तो फिर आप जो है वो इसीलिए ज़िग्लर नाटा कैटलिस्ट यूज करते हो। अच्छा, एक और जो स्ट्रक्चर है या एक और कम्प्लेक्स जो आपके पास ज़िग्लर नाटा कैटलिस्ट का स्ट्रक्चर है वो ये है कि उसमें आप क्या लेते हो, क्लास के टाइटेनियम हेलाइड लेते हो, जिसमें आप टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड लेते हो, और साथ आपका ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम यानी ट्राइथाइल एल्यूमिनियम होता है। ये दोनों जो हैं वो आपस में कम्प्लेक्स बनाते हैं, और इस कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के बाद जो आपके पास चीज बनती है ये बेसिकली कैटलिस्ट का रोल प्ले करती है, जिसमें कैटलिस्ट का भी पार्ट होता है, को कैटलिस्ट का भी पार्ट होता है। अब ये किस तरह बनी है कि ये यहाँ पे क्लास उसमें ये टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड है यानी TiCl3, बट आपको यहाँ पे 5 क्लोरोग्रुप नजर आ रहे हैं। वो रीजन ये है कि इसमें ये जो आपको ये वाला क्लोरोग्रुप नजर आ रहा है, ये वाला क्लोरोग्रुप नजर आ रहा है, बेसिकली ये क्लोरोग्रुप सेकंड जो टाइटेनियम है आपके पास, यानी यहाँ पे एक और टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड है उसके साथ कोऑर्डिनेटेड है, तो उसका जो क्लोरोग्रुप है, क्योंकि ये क्रिस्टल आपके पास स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके जो टाइटेनियम यूनिट्स हैं, टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड यूनिट जो होते हैं वो रिपीट कर रहे होते हैं, रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप यूनिट सेल कहते हो। सो हर एक टाइटेनियम की सराउंडिंग में ओवरऑल जो है, ऑल्दो वो टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड है, बट एक टाइटेनियम को ओवरऑल जो है वो 5 क्लोरो स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, जिसमें से जो 2 हैं वो नेक्स्ट किसी और टाइटेनियम के हैं। क्लियर हो गया? प्लस इतना पॉइंट क्लियर किया या नहीं? जी मैम। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि आपके पास जो टाइटेनियम आप कह लो टाइटेनियम हेलाइड है और यहाँ पे आपका ट्राइथाइल एल्यूमिनियम है, तो इसके इन बिटवीन यहाँ पे आपको कम्प्लेक्सेशन नजर आ रही है। ये कम्प्लेक्सेशन कैसे हुई है तो देखने के लिए, यहाँ पे क्लास आपके पास ये है स्ट्रक्चर, ठीक है, बेसिकली
जिसमें आपके पास 5-chloro-group टाइटेनियम की सराउंडिंग में है, और यहाँ आपको एक वेकेंट डी ऑर्बिटल नजर आ रहा है, जिसे एम्प्टी ऑर्बिटल कह सकते हैं। मेटल के पास एक वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है या वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, समझने के लिए सिंपल। और यहाँ आपका ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम था, जिसे मैंने इस फॉर्म में लिखा है कि एक एथाइल को मैंने नेगेटिव चार्ज के साथ शो किया है। रीजन क्या है कि ये जो आपका एथाइल है, ये आपकी इस वेकेंट डी ऑर्बिटल के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे डोमिनेट करेगा आपके वेकेंट ऑर्बिटल के साथ, जिसकी वजह से इस एथाइल और इस टाइटेनियम के इन बिटवीन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है। और यही जो आपका क्लास जैसे ही आपका एथाइल जो है वो आपकी वेकेंट डी ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ से जो आपका क्लोरो सेंटर है, ये क्लोरो ग्रुप है टाइटेनियम और क्लोरीन के बिटवीन जो बॉन्ड है, ये आपका ब्रेक कर जाएगा और ये क्लोरो ग्रुप आपका शिफ्ट हो जाएगा या ट्रांसफर हो जाएगा इस एल्यूमिनियम सेंटर पे, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी ये जो सारा प्रोसेस होता है इसके इन बिटवीन एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिसमें इथाइल जो है आपका सेंटर वो टाइटेनियम के वेकेंट ऑर्बिटल पर ट्रांसफर हो रहा है, और टाइटेनियम और क्लोरो ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसके इन बिटवीन एक ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है वो कुछ इस तरह से हो रही है कि बिटवीन इथाइल एंड टाइटेनियम जो है आपकी न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, जो आपका एल्यूमिनियम और इथाइल सेंटर है इसके इन बिटवीन बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है, और जो आपका टाइटेनियम और यहाँ पे ये 5 पोजीशन पे जो क्लोरो था, यानी ये जो मैंने नंबरिंग दी है, ये 5 chloro जो है बेसिकली ये टाइटेनियम और 5th पे जो क्लोरो ग्रुप है इसके बिटवीन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, और यही क्लोरो आपकी एल्यूमिनियम पे जाके ट्रांसफर हो रहा है एल्यूमिनियम सेंटर पे, जिसकी वजह से क्लोरो और एल्यूमिनियम के बिटवीन न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। आफ्टर दिस ट्रांजिशन स्टेट आप फाइनल लिखोगे, तो फाइनल बेसिकली क्या हो जाता है कि टाइटेनियम और इथाइल के बिटवीन बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये बाकी सारे क्लोरो वैसे ही हैं, यहाँ पे जो 5th पोजीशन पे क्लोरो था वो अब नहीं रहा, वो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके एल्यूमिनियम की तरफ चला गया, और यहाँ पे उसने वेकेंट ऑर्बिटल जो है वो छोड़ दिया, मतलब अब जो यहाँ पे ऑर्बिटल है वो वेकेंट हो गया, पहले यहाँ पे था उस वेकेंट ऑर्बिटल में इथाइल ग्रुप आ गया, यहाँ पे कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं था, यहाँ पे क्लोरो ग्रुप था वो चूंकि लीक कर गया, अब यहाँ पे उसने एक वेकेंट ऑर्बिटल जनरेट कर लिया। इसको कहा जाता है एक्टिवेशन ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है, ये हो गया क्लास यहाँ तक, समझ आ गई है। अच्छा, इसमें एक और कंफ्यूजन, एक और सर मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जैसे अभी मैंने बात की, ये जो आपको फ्रंट पे और बैक पे क्लोरो ग्रुप नजर आ रहे हैं, ये क्लोरो ग्रुप आपके इस टाइटेनियम के नहीं है, ये बेसिकली दूसरे जो आपका टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड है उसकी क्लोरो ग्रुप है, जो कि इस टाइटेनियम के साथ भी कोऑर्डिनेटेड है। इसीलिए जब भी आपने क्लोरो ग्रुप की रिप्लेसमेंट करवानी है या क्लोरो ग्रुप की एल्यूमिनियम के साथ बॉन्डिंग करवानी है, तो वो कौन से क्लोरो होंगे जो इस टाइटेनियम के अपने हैं, और उनमें से भी कौन से होंगे, या तो यहाँ से आप बॉन्डिंग करवा सकते हो इस क्लोरो ग्रुप के साथ या इस क्लोरो ग्रुप के साथ, इन दोनों की आप एल्यूमिनियम के साथ ट्रांसफर करवा सकते हो, इसी वजह से इनको एक्सचेंजेबल क्लोरो ग्रुप कहा जाता है, जो कि यहाँ पे चूंकि 5th क्लोरो ग्रुप को उसने एक्सचेंज करवाया, तो ये आपका क्लोरो जो है ये एक्सचेंजेबल है, बाकी जो 1 और 2 नंबरिंग जो मैंने दी है, ये 1 और 2 जो है क्लोरो ये एक्सचेंजेबल नहीं है, क्योंकि ये टाइटेनियम तो इटसेल्फ नहीं है, ये नेक्स्ट टाइटेनियम के हैं, यानी किसी और टाइटेनियम सेंटर से कोऑर्डिनेटेड है, ये वाला क्लोरो भी दूसरे टाइटेनियम सेंटर से कोऑर्डिनेटेड है, तो ये हर साइड से कोऑर्डिनेटेड है, तो ये आपका जो है क्लोरो ट्रांसफरेबल नहीं है, बट यहाँ पे जो 5th क्लोरो है ये आपका एक्सचेंजेबल होता है विद अल्काइल ग्रुप। सो जब भी आपने एक्सचेंज करवाना है, सो आपने इसी 5th क्लोरो ग्रुप को एक्सचेंज करवाना है, ना कि बाकी किसी क्लोरो ग्रुप को एक्सचेंज करवाना है। अच्छा, ये आपका हो गया इस कैटलिस्ट को, ये जो आपके पास फॉर्म आई है जिसमें आपने कैटलिस्ट को और को कैटलिस्ट दोनों, इसमें दोनों चीजों का पार्ट है, देखो आप टाइटेनियम हेलाइड और आपका जो ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम है, अब दोनों चीजें एक ही कॉम्प्लेक्स एक ही स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो इसी वजह से इसको आप कह सकते हो कि ये आपका जिग्लर नाटा कैटलिस्ट है, क्योंकि इसमें दो चीजें होती हैं, कैटलिस्ट एंड को कैटलिस्ट, तो यहाँ पे कैटलिस्ट भी है और को कैटलिस्ट भी है। इस फॉर्म को आप एक्टिव जिग्लर नाटा कैटलिस्ट कहते हो। जब एक्टिव फॉर्म बना लेनी है, तो एक्टिव फॉर्म बनाने के बाद उसी तरीके से इनिशिएशन वाला स्टेप करवाना है। इनिशिएशन वाला स्टेप किस तरह से करवाना है कि कोई भी एल्कीन मोनोमर लो, ठीक है, उस एल्कीन मोनोमर में आपके पास या जो भी आप मोनोमर ले रहे हो उसमें पाई बॉन्ड होना चाहिए, उस पाई बॉन्ड के इन बिटवीन और इस एम्प्टी ऑर्बिटल वेकेंट ऑर्बिटल के इन बिटवीन क्या होगा,
पाई कम्प्लेक्सेशन होगी, पाई बॉन्ड बनेगा, फिर पाई कम्प्लेक्सेशन को शो करने के बाद आप ट्रांजिशन स्टेट बनाओ। उस ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन में बेसिकली होता क्या है कि ये पाई बॉन्ड बेसिकली सी एच टू सेंटर पे शिफ्ट होता है, ये सी एच टू देन टाइटेनियम के साथ कोऑर्डिनेटेड होती है, ठीक है। ये टाइटेनियम के साथ कोऑर्डिनेटेड होती है तो क्या होता है कि आपका टाइटेनियम और इथाइल के बिटवीन जो बॉन्ड है वो ब्रेक करता है। क्यों? क्योंकि इथाइल जो है वो आपकी नेक्स्ट सी एच के साथ कोऑर्डिनेटेड होती है, क्योंकि ये आपका नेगेटिव सेंटर था और ये आपका पॉजिटिव सेंटर होता है। तो इथाइल और सी एच के इन बिटवीन बॉन्ड, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होने की वजह से टाइटेनियम और इथाइल के इन बिटवीन जो ओल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन है वो ब्रेक करना शुरू हो जाती है या वो वीक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप उसको डॉटेड से शो करते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी मैम। अच्छा, इसके अलावा क्लास यहाँ पे एक सिंबल मैंने लिखा है ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ बुक में। अदरवाइज जब भी ट्रांजिशन स्टेट लिखी जाती है, ट्रांजिशन स्टेट को एक आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो, उसके ऊपर ये आप सिंबल डाल दो, जिसे डबल डैगर सिंबल कहा जाता है, ठीक है। ये इस सिंबल से आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है कि इधर ये ट्रांजिशन स्टेट है या नहीं है। इनकेस अगर आपको ट्रांजिशन स्टेट नहीं वर्ड लिखा हुआ बुक में, बट आपको ये स्ट्रक्चर बना के वो ऊपर आपको ये साइन दे देता है, तो आपके लिए ये 100% कंफर्म है या ये श्योरिटी है कि ये आपकी जो स्ट्रक्चर है ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट से फिर है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट हो गई, ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी, देन क्या होगा? देन आपके पास होगा कि आपका जो टाइटेनियम और इथाइल के बिटवीन जो पहले स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन करवाई थी कि इथाइल को एल्यूमिनियम सेंटर से हमने ट्रांसफर करवाया था टाइटेनियम पे, अब वो टाइटेनियम और इथाइल के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा, इथाइल दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा था तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इथाइल सेंटर था और टाइटेनियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, तो आपका इथाइल दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ टाइटेनियम की पे फिर दोबारा वो वेकेंट ऑर्बिटल जनरेट कर जाएगा। यानी जो वेकेंट ऑर्बिटल पहले इथाइल से कोऑर्डिनेटेड हुआ था वो दोबारा वेकेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड टाइटेनियम और इथाइल के इन बिटवीन बॉन्ड ब्रेकेज हो जाएगी और आपका इथाइल और सी एच के इन बिटवीन जो है वो परमानेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे परमानेंट बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड जो है वो अल्टीमेटली कम्प्लीटली ब्रेक कर जाएगा, यानी ये जो पाई बॉन्ड है वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ सी एच टू पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपकी ये वाला स्टेप बनेगा जिसमें आपका एक मोनोमर जो है वो आपका इंजर्ट हो गया है या एक मोनोमर ऐड हो गया है आपके कॉम्प्लेक्स में या आपके कैटलिस्ट में। इसके बाद आप नेक्स्ट मोनोमर को ऐड करवाओगे। नेक्स्ट मोनोमर की एडिशन जो है वो आपका क्या है? प्रोपोगेशन स्टेप। सो आपके पास पहला स्टेप हो गया, यानी आपके पास ये आपने मोनोमर ऐड करवा लिया जो CH2CHX था, उसके साथ इथाइल बॉन्डेड है। अब नेक्स्ट आपने मोनोमर जब ऐड करवाना है तो मोनोमर कहाँ पे ऐड होगा? जाहिर सी बात है जहाँ पे आपका एम्प्टी ऑर्बिटल है, क्योंकि उसने पाई बॉन्ड ने उस एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ कम्प्लेक्स बनाना है, तो एम्प्टी तो अब इस साइड पे है। सो आपका जो कम्प्लेक्सेशन है बिटवीन योर अल्कीन मोनोमर एंड एम्प्टी ऑर्बिटल वो यहाँ पे होगी। यहाँ पे जैसे ही होगी उसी तरीके से पहले आप पाई कम्प्लेक्स बनाओगे। पाई कम्प्लेक्स बनाने के बाद उसी तरीके से आप शो करोगे कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सी एच टू पे शिफ्ट होती है, सी एच टू आपका नेगेटिव होता है। अच्छा, सी एच टू आपका नेगेटिव होता है और जो सी एच सेंटर है वो आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो बिटवीन सी एच टू एंड टाइटेनियम आपके न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ये समझ आ रहा है ना क्लास? ये स्टेप समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे? नहीं आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी जो सी एच टू है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हो रही है बेसिकली, तो सी एच टू और टाइटेनियम कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि टाइटेनियम का तो वेकेंट ऑर्बिटल है ना यहाँ पे, तो वो उस वेकेंट ऑर्बिटल ने कोऑर्डिनेट ही उसी सेंटर उसी कार्बन के साथ करना है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके आ रहा है। तो यहाँ चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या पाई बॉन्ड जो है वो सी एच टू वाले सेंटर पे शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए वो सी एच टू के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो टाइटेनियम और सी एच टू के इन बिटवीन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये पाई बॉन्ड जो है ये ब्रेक करना शुरू हो जाएगा बिटवीन सी एच एंड सी एच टू, जो कि ट्रांजिशन स्टेट में पार्शली ब्रेकेज होगी और फाइनल अगर आप बताओगे तो यहाँ पे कम्प्लीट ब्रेकेज हो जाएगी।
सो आपके पास ये बनेगी स्ट्रक्चर। देखो ये इसमें क्या है, ये वो चेन, ये वो मोनोमर है जो पहले ऐड हुआ था, यानी ये वाला CH2CH2CHX, और यहाँ पे आपके पास एक है, ये पहला मोनोमर है। अब ये सेकंड मोनोमर ऐड हो रहा है, जब सेकंड मोनोमर ऐड हुआ है तो टाइटेनियम और CH2 का फिर बॉन्ड बन गया यहाँ पे, ये आपकी पार्शियल बॉन्ड ब्रेकेज है। अब क्या होता है क्लास के उसी तरीके से हम देखें तो ये आपका जो है वो नेगेटिव सेंटर है, पार्शियल नेगेटिव सेंटर है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है तो इसने किससे कोऑर्डिनेट करना है, ये यहाँ पे रिंग ओपनिंग होनी चाहिए तो रिंग ओपनिंग रिंग क्लोजिंग होनी चाहिए, तो रिंग क्लोजिंग करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर तो ये आपका पार्शियल पॉजिटिव सेंटर है तो इसे भी पार्शियल नेगेटिव सेंटर मिलना चाहिए अपने विसिनिटी में ताकि ये रिंग क्लोजिंग कर सके। तो वो कौन सा हो सकता है, टाइटेनियम के साथ वाली जो कार्बन है, चूंकि टाइटेनियम मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उसके साथ जो भी कार्बन बॉन्डेड है वो दोनों साइड पे आपकी क्या है नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपकी जो ये सेंटर पार्शियल पॉजिटिव है और ये सेंटर आपका जो है वो आपका नेगेटिव सेंटर है, तो यहाँ पे भी आपके इन दोनों के इन बिटवीन जो है तो काउंटर आइन जब सामने आएंगे तो अट्रैक्शन होगी और यहाँ पे भी एक पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखो ये होता है क्लास कि ये जो आपका टाइटेनियम और CH2 के इन बिटवीन जो बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा। ये जब ब्रेक करेगा तो कैसे ब्रेक करेगा कि ये टाइटेनियम CH2 बॉन्ड ब्रेक कर गया, ठीक है, यहां से बॉन्ड की ब्रेकेज होगी और आपका जो टाइटेनियम और CH2 के इन बिटवीन बॉन्ड है ये न्यू फॉर्म होगा। तो टाइटेनियम ये CH2 फिर आगे ये CH X ग्रुप है आपके पास सब्स्टिट्यूएंट के साथ कार्बन है, फिर उसके बाद ये जो CH है और इस CH2 के इन बिटवीन जो है वो परमानेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर गया। तो यहाँ पे CH और CH2 के इन बिटवीन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई तो ये सॉलिड बॉन्ड बन गया आपके पास। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये CHX ग्रुप है यानी ये वाला, और यहाँ पे फिर आगे आके आपके पास इथाइल हो जाता है। अब वेकेंट ऑर्बिटल देखो, पहले स्टेप में जब हमने एक्टिव जिगलर नाटा कैटलिस्ट बनाया था वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ था जिसको आपने इथाइल से कोऑर्डिनेट करवाया था और यहाँ जाके आपने मोनोमर ऐड करवाया था क्योंकि यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल था। फिर आपने जब ओपनिंग की थी तो वेकेंट ऑर्बिटल आपका यहाँ पे आ गया था। अब वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे था तो सेकेंड मोनोमर आपने इस सेंटर पे ऐड करवाया था। अब सेकेंड मोनोमर की एडिशन के बाद जब आपने ओपन करवाई है चेन तो अब आपका दोबारा से वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे जनरेट हो गया। अब आप थर्ड जो मोनोमर है वो इस सेंटर पे ऐड करोगे, ठीक है, थर्ड मोनोमर इस सेंटर पे ऐड करोगे तो आपकी जो ब्रेकिंग है बॉन्ड की वो यहाँ से करवाओगे तो यहाँ पे आपका वेकेंट ऑर्बिटल जनरेट, यानी अल्टरनेट मैनर में आपका वेकेंट जनरेट हो रहा है। समझ आइए यहाँ तक, मैम ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH2 पे शिफ्ट हुई है इसको CHX पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैम जो हैलोजन है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है इंडक्टिव, पर हैलोजन नहीं है, वो नेगेटिव का हैलोजन नहीं है, X इज एनी सब्स्टिट्यूएंट, फिर ठीक है, हैलोजन नहीं है, X इज एनी सब्स्टिट्यूएंट, आप सिंपल X के साथ ना लो, आप इथीन मोनोमर ले लो, ठीक है, अब सब्स्टिट्यूटेड ना लो ना आप इथीन, आप सिंपल इथीन के साथ कॉम्प्लेक्स करवा लो। वो एक्स लेने का मकसद ये है क्योंकि यहाँ पे हम बात करें स्टीरियो रेगुलरिटी की कि एक ही तरह के सब्स्टिट्यूएंट एक ही साइड पे आने चाहिए, इसलिए एक्स को लिया गया, अदरवाइज आप एक्स की जगह यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, ठीक है, और प्रेफरेबली आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे क्लास इस पॉइंट को देखो, ये पहला जो मोनोमर आपने ऐड करवाया था वो ये है, ये CH2X CHX वाला जो पोर्शन है ये आपका पहले मोनोमर से है और इस मोनोमर के इन बिटवीन जो आपका टाइटेनियम CH2 बॉन्ड है ये जब ब्रेक किया है तो अब आप देखो क्या हुआ है, इस टाइटेनियम और CH2 बॉन्ड के इन बिटवीन, यानी ये वाला टाइटेनियम है और ये वो वाला पुराने मोनोमर का CH2 बॉन्ड है, यानी ये CH2 ग्रुप है, तो ये टाइटेनियम है और ये CH2 ग्रुप है, इसके इन बिटवीन क्या हो गया, एक न्यू मोनोमर आपको इंसर्ट नजर आ रहा है कि उसकी इंसर्शन हो गई है बिटवीन दिस टाइटेनियम एंड कार्बन CH2 ग्रुप सेंटर।
सो इसी प्रोसेस को यहाँ पे भी इंजर्शन का इसलिए नाम दिया जाता है कि न्यू जो मोनोमर चेन है वो टाइटेनियम और सीएच2 बॉन्ड के इन बिटवीन इंजर्ट होती रहती है. सो इसी प्रोसेस को आप प्रोपेगेशन भी कह सकते हो, इंजर्शन भी कह सकते हो. बात समझ आई है? ये देखो ना, यहाँ पे ये टाइटेनियम सी एच टू बॉन्ड था. अब ये जो मोनोमर है ये आपका ऐड हो गया, यानी अब आप चेन इस तरह है, टाइटेनियम सी एच टू सी एच एक्स फिर सी एच टू. पहले टाइटेनियम सी एच टू डायरेक्टली बॉन्डेड थे, अब उनके दरमियान में एक मोनोमर आ गया है, एक मोनोमर जो है वो ऐड हो गया, फिर उसके बाद टाइटेनियम और सी एच टू का, यानी वो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट नहीं रहे क्योंकि उनके इन बिटवीन एक मोनोमर की इंजर्शन हो गई है, ये एक ग्रोइंग चेन की इंसर्शन होगी है. सो इसी मैनर में आपकी ग्रोइंग चेन बिटवीन मेटल एंड कार्बन सेंटर जो है वो ऐड होती रहती है, और इस प्रोसेस को प्रोपगेशन के साथ साथ इंसर्शन का भी नेम दिया जाता है. क्लियर हो गया?